नमस्कार दोस्तों, एग्जाम सक्सेसफुल इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग आज RRB NTPC मॉडल सेट 2 से NTPC से संबंधित सामान्य जागरूकता के कुल 40 प्रश्न देखेंगे। तो चलते हैं हम अपने प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है? निम्नलिखित में से कौन जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका त्रिशूल। ब्रह्मोस जो मिसाइल है वो जमीन से जमीन पर मार करने वाली ध्वनि से तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। K-15 सागरिका, ये जो मिसाइल है सागरों की गहराइयों में इसका उपयोग होता है। और अग्नि जो मिसाइल है ये सतह से सतह पर मध्यम दूरी का मिसाइल है। सतह से सतह मध्यम दूरी का मिसाइल अग्नि है। तो चलते हैं हम अपने दूसरे प्रश्न पर। नारायण कार्तिकेयन किस खेल से संबंधित है? तो नारायण कार्तिकेयन ऑटो रेसिंग से संबंधित हैं। नारायण कार्तिकेयन ऑटो रेसिंग से संबंधित हैं। टेनिस से संबंधित खिलाड़ी सानिया मिर्जा हैं। स्क्वैश से संबंधित खिलाड़ी जोशन चिनप्पा और गोल्फ से संबंधित खिलाड़ी जीव मिल्खा सिंह हैं। और टेबल टेनिस से संबंधित खिलाड़ी मरिक बत्रा हैं। चलिए हम अगले प्रश्न पर। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान परमाणु क्रमांक क्या रहता है? तो आंसर हो जाएगा इसका समान। इस आंसर हो जाएगा इसका समान रहता है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान परमाणु क्रमांक समान रहता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संसद का नियमित सत्र नहीं है? तो आंसर हो जाएगा आपका ग्रीष्म सत्र। आंसर हो जाएगा ग्रीष्म सत्र। बजट सत्र जो है वो बजट सत्र फरवरी से मई तक चलता है। मानसून सत्र का अधिवेशन जुलाई से सितंबर तक और शीतकालीन सत्र का अधिवेशन नवंबर से दिसंबर तक चलता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अधातुओं के ऑक्साइड प्रकृति में क्या होते हैं? तो अधातुओं के ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय होते हैं। अधातुओं के ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय होते हैं और धातु के ऑक्साइड प्रकृति में क्षारीय होते हैं। याद रखेंगे, अधातु के ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय और धातु के ऑक्साइड प्रकृति में क्षारीय होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा आपका बी, चार्ल्स डार्विन। आंसर हो जाएगा आपका बी, चार्ल्स डार्विन। अगले क्वेश्चन पर। तपेदिक की रोकथाम के लिए किस टीके का उपयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा आपका डी, BCG। आंसर हो जाएगा आपका डी, BCG, क्योंकि BCG का टीका जन्म लेने पर लगता है और तपेदिक रोग में एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन किया जाता है। तपेदिक रोग जिसे क्षय रोग भी कहते हैं, जिसे TB हम लोग आम तौर पर जानते हैं, तो इसके रोकथाम के लिए हम लोग BCG का टीका का उपयोग किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति V और आवर्तकाल T है के बीच क्या संबंध होगा? तो आंसर हो जाएगा आपका म्यू बराबर O1/T, यानी आवृत्ति बराबर O1/में आवर्तकाल। आंसर हो जाएगा आपका सी, आवृत्ति बराबर O1/में आवर्तकाल। चलिए एक क्वेश्चन हो और। यदि तरंग दैर्ध्य लेमडा है, यदि तरंग दैर्ध्य आपका लेमडा है और आवृत्ति एन है, तो तरंग वेग क्या हो जाएगा? तो वी बराबर हो जाएगा आपका एन लेमडा। वी बराबर क्या हो जाएगा आपका? एन लेमडा। अगर तरंग दैर्ध्य लेमडा है और आवृत्ति एन है, ये आवृत्ति एन है, तो आपका तरंग दैर्ध्य हो जाएगा, तरंग वेग हो जाएगा वी बराबर एन लेमडा। चलिए अगले क्वेश्चन पर। किसी पदार्थ के 1 मोल में मौजूद परमाणुओं या अणुओं के आयन को कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा आपका सी, एवोगाड्रो संख्या। एवोगाड्रो संख्या। चलिए ऑप्शन जो बी है, द्रव्यमान संख्या।
तो किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन के संख्या को क्या कहते हैं? तो द्रव्यमान संख्या कहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को संख्या को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। और परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या, तो किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित परमाणु की संख्या को, किसी परमाणु संख्या ये है कि किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को, प्रोटॉनों की संख्या को हम लोग कहते हैं परमाणु संख्या। जिसे मैं देख लेते हैं, जिसे में वो दिया रहता है, ठीक, इसका परमाणु संख्या 8 और 16, परमाणु भार 16 हो गया। तो द्रव्यमान संख्या 16 और परमाणु संख्या 8, यानी प्रोटोनों की ऑक्सीजन में प्रोटोनों की संख्या अगर पूछेगा तो हम लोग कितना बताएंगे? 8। और परमाणु द्रव्यमान पूछेगा तो हम लोग 16। चलिए अगले क्वेश्चन पर। मणिपुरी निम्नलिखित में से कौन आवश्यक रूप से एकल नृत्य है? तो आंसर हो जाएगा आपका मोहिनी अट्टनम। मणिपुरी जो नृत्य है वो मणिपुर का नृत्य है। कथक जो नृत्य है उत्तर भारत का शास्त्रीय प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का नृत्य है। कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है? आंध्र प्रदेश का। चलिए, तापीय ऊर्जा संयंत्रों में जीवाश्म ईंधन की किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है? क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन हो जाएगा इसका ई बी रासायनिक ऊर्जा, बी हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा। जल विद्युत ऊर्जा क्या है? तो गिरते या बहते हुए जल की गतिज ऊर्जा से जो विद्युत उत्पन्न की जाती है उसे जल विद्युत ऊर्जा कहते हैं। ज्वारीय ऊर्जा क्या है? तो समुद्र में जो ज्वार भाटा उत्पन्न होता है उससे जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। और सौर ऊर्जा है कि सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर। इनमें कौन सा उच्च गति डाटा के लिए वायरलेस ब्रॉडबैंड संचार का एक मानक है? तो आंसर हो जाएगा आपका LTE। आप लोग अभी जियो का सिम आया है इसमें लिखा रहता है, जब नेटवर्क देखिए यहाँ पर वोल्ट LTE। तो उच्च गति डाटा के लिए वायरलेस ब्रॉडबैंड संचार का एक मानक क्या हो गया? LTE। नियासिन किसका एक रूप है? नियासिन यानी इसके रासायनिक नाम पूछ दिया, तो नियासिन यहाँ पर B5 होगा, B5। तो आंसर हो जाएगा आपका सी, बी विटामिन B5। नियासिन विटामिन B5 का एक रूप है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम पेंटोथनिक अम्ल है। विटामिन B2 का नाम राइबोफ्लोमिन है। और विटामिन B6 का पाइरीडॉक्सिन है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 1916 का लखनऊ समझौता किनके बीच हुआ था? तो आंसर हो जाएगा INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। आंसर हो जाएगा आपका डी, आंसर हो जाएगा आपका डी, क्योंकि 1916 के अधिवेशन में अध्यक्ष पद पर कांग्रेस के अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। भारत का कौन सा राज्य स्नेक बोट रेस के लिए प्रसिद्ध है? तो आंसर हो जाएगा आपका सी केरल, आंसर हो जाएगा आपका सी केरल। बोगी शब्द किस खेल से संबंधित है? आंसर हो जाएगा आपका ए गोल्फ, आंसर हो जाएगा आपका ए गोल्फ। हॉकी से संबंधित कुछ शब्द हैं, सेंटर हाफ, सेंटर लाइक, स्टिक, लाइन्समैन, ये जो शब्द हैं हॉकी से संबंधित हैं। बैक स्ट्रोक जो शब्द है ये तैराकी से संबंधित है। और टेनिस है चेक हेड, डबल फॉल्ट, स्मैश, ग्रिप, ये जो शब्द हैं ये टेनिस से संबंधित हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ढोकला भारत के किस राज्य का व्यंजन है? तो आंसर हो जाएगा आपका ए गुजरात, आपका आंसर हो जाएगा ए गुजरात। चलती है, पावड़ा जो व्यंजन है पावड़ा वो राजस्थान का व्यंजन है। और थाली पीठ जो व्यंजन है थाली पीठ वो महाराष्ट्र का व्यंजन है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 1982 में एशियाई खेलों की मेजबानी किस शहर ने की? तो आंसर हो जाएगा आपका सी नई दिल्ली, आंसर हो जाएगा आपका सी नई दिल्ली।
जब प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन 1951 में इसकी मेज़बानी भी नई दिल्ली ने की, और पुनः 1982 में जो एशियाई खेल हुआ था उसकी मेज़बानी नई दिल्ली ने ही की थी। अभी तक एशियाई खेलों में हमारे भारत की मेज़बानी दो बार रही है, 1951 और 1982। अब अगला जो 2022 का एशियाई खेल होगा तो वो चीन शहर में हांगजू, चीन के हांगजू शहर में होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर हुई? तो आंसर हो जाएगा आपका सी, आंसर हो जाएगा नहीं सॉरी बी, दामोदर समिति के सिफारिश पर हुई थी। सेबी की स्थापना दामोदर समिति के सिफारिश पर हुई थी। फिरवानी जो समिति है, इस समिति के सिफारिश पर राष्ट्रीय शेयर बाजार यानी NSE की स्थापना हुई थी। रंगराजन जो समिति है, रंगराजन समिति गरीबी से संबंधित है, और नरसिम्हन समिति जो है बैंकिंग सुधार से संबंधित है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अरुंधति योजना किस राज्य से संबंधित है? तो आपका आंसर हो जाएगा ए असम, डी असम। अरुंधति योजना असम से संबंधित है। आंध्र प्रदेश की योजना है आपको, आंध्र प्रदेश डी नाडू नेडू डोजन, नाडू नेडू योजना जो है आंध्र प्रदेश से संबंधित है। और डिजिटल सखी, डिजिटल जो सखी ये योजना है तमिलनाडु से संबंधित है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इक्कीस नंबर क्वेश्चन। जनवरी 2020 में 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो आंसर हो जाएगा आपका बी, बेंगलुरु। और 106वीं विज्ञान कांग्रेस का आयोजन, 106वीं विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 2019 में जालंधर में हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन पर। रिसर्जेंट इंडिया नामक पुस्तक के लेखक हैं? रिसर्जेंट इंडिया नामक पुस्तक के लेखक हैं, आंसर हो जाएगा बिमल जलान। चेतन भगत की जो पुस्तक हैं, हाफ गर्ल फ्रेंड, वन इंडियन गर्ल, रिवॉल्यूशन 2020, ये सब जो पुस्तक हैं चेतन भगत की हैं। सी टुमारो एट नाइन, सी टुमारो एट नाइन दीपक सक्सेना की पुस्तक हैं। और लर्निंग एंड लीडिंग, लिसनिंग लर्निंग एंड लीडिंग, ये जो पुस्तक है वेंकैया नायडू की पुस्तक है, ये जो पुस्तक है वेंकैया नायडू की पुस्तक है। सीमू कहाँ की स्थानीय हवा है? तो आंसर हो जाएगा आपका ईरान। शामल जो हवा है, शामल स्थानीय हवा इराक की हवा है। और फाइजेम जो स्थानीय हवा है वो ब्राज़ील की है। जोंडा जो स्थानीय हवा है वो अर्जेंटीना की है। और नारवेस्टर जो स्थानीय हवा है वो न्यूजीलैंड की है। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन। किस मंडल में 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस पर ताप घट जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए शोभ मंडल, इसका आंसर हो जाएगा शोभ मंडल। आयन मंडल में रेडियो संचार के लिए उपयोग होता है। समताप मंडल में ओजोन परत पाया जाता है। और मध्य मंडल जो है अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाली उल्का पिंड यहीं पर आकर जल जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन 25 नंबर। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद में निहित है? इसका आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 44 जो है नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता है। अनुच्छेद 17 जो है छुआ छूत का अंत यानी अस्पृश्यता का अंत। और अनुच्छेद 32 है जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अगले क्वेश्चन। संविधान सभा की प्रथम बैठक किस तिथि को हुई थी? आंसर हो जाएगा आपका 9 दिसंबर 1946, ए 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था।
11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया और 13 दिसंबर 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया और संविधान का निर्माण कार्य शुरू किया गया और 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 13वां विश्व कप क्रिकेट का आयोजन किस देश में होना सुनिश्चित है? तो 13वां विश्व क्रिकेट कप 2023 का आयोजन किस देश में होना सुनिश्चित है? आंसर हो जाएगा आपका भारत। और 14वां विश्व क्रिकेट कप 2027 का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में होगा और इसके पहले जो यानी 12वां विश्व क्रिकेट कप 2019 का आयोजन इंग्लैंड और वेल्स में हुआ, इंग्लैंड और वेल्स में हुआ। जनवरी 2020 तक हरियाणा के राज्यपाल है? तो आंसर हो जाएगा आपका ए सत्यदेव नारायण आर्य। आर एन रवि जो हैं नागालैंड के राज्यपाल हैं, अभी उनको फिलहाल मेघालय का भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। आचार्य देवव्रत जो हैं गुजरात के राज्यपाल हैं और बंडारू दत्तात्रेय हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा आपका बी 7 जून। 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है और 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है और 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस मनाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्ला खान को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा आपका डी 2001। 2001 में उस्ताद बिस्मिल्ला खान को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 1963 में डॉक्टर जाकिर हुसैन को, भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 1971 में इंदिरा गांधी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 1998 में सी सुब्रमण्यम एक राजनीतिज्ञ हैं जो उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कौन सा राज्य नागरिक संशोधन अधिनियम CAA के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला पहला राज्य बना? तो आंसर हो जाएगा आपका ए केरल। केरल जो राज्य है CAA के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला पहला राज्य बना। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, पहला गौरी लंकेश मेमोरियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर हो जाएगा आपका बी रवीश कुमार। रवीश कुमार को पहला गौरी लंकेश मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया। रवीश कुमार को रमन मैगसेसे पुरस्कार 2019 से भी सम्मानित किया गया है। अभी हाल ही में भारत सरकार के कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री कौन है? तो आंसर हो जाएगा आपका ए महेंद्र नाथ पांडे। प्रहलाद जोशी जो हैं संसदीय कार्य मामले और कोयला तथा खनन मंत्री हैं। स्मृति ईरानी जो हैं महिला और बाल विकास मंत्री हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कैल्वेराइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो आंसर हो जाएगा आपका डी सोना। सिल्वेनाइट जो है वो भी सोना का अयस्क है। और क्यूपराइट कॉपर ग्लांस और कॉपर पाइराइट ये तांबा का अयस्क हैं, तांबा का अयस्क हैं। और हर सिल्वर जो है सिल्वर का अयस्क है। एल्युमिनियम के बॉक्साइट क्रोनम क्रायोलाइट और फ्लेस्पार एल्युमिनियम का अयस्क हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यदि किसी व्यक्ति का भार पृथ्वी पर 66 kg है तो उसका भार चंद्रमा पर होगा? तो आंसर हो जाएगा आपका बी 11 kg। क्योंकि किसी व्यक्ति का भार चंद्रमा पर के भार का 1/6 होता है चंद्रमा पर, तो 66/6 यानी 11 हो जाएगा। जूल बाई कुलम की इकाई क्या है? तो आंसर हो जाएगा आपका ए वोल्ट। जूल बाई कुलम की इकाई वोल्ट है। क्योंकि कार्य बराबर क्या होता है? विभव गुणे आवेश, विभव गुणे आवेश। तो कार्य का इकाई होगा जूल
विभव का होगा वोल्ट, आवेश का इकाई कूलम। तो यहाँ से निकल जाएगा वोल्ट बराबर जूल बाई कूलम, वोल्ट बराबर जूल बाई कूलम। चलिए अगले क्वेश्चन पर। तो बच्चे शोषण किस में होता है? तो बच्चे शोषण केंचुआ में होता है। पहली क्षार धातु इनमें कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा बी लिथियम, क्योंकि हाइड्रोजन एक धातु है और सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन और सबसे हल्की धातु लिथियम, सबसे हल्की धातु लिथियम और सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन। बर्ग बर्ग फर्स्ट ए के धातु को क्षारीय धातु बोलते हैं, और बर्ग टू ए के क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय मृदा लिखने में दिक्कत हो रहा है, मृदा धातु। चलिए अगले क्वेश्चन पर। इनमें से कौन भारत की पहली स्वदेश निर्मित पनडुब्बी है, यानी अपने देश में बनी, यानी यह होगा INS साल की। INS विक्रांत जो है विमानवाहक पोत है, विक्रांत जो है विमानवाहक पोत है और प्रथम युद्ध पोत INS नीलगिरी, INS नीलगिरी है जो प्रथम युद्ध पोत है, INS नीलगिरी प्रथम युद्ध पोत है। चलिए एक न्यूमेरिकल है। जब कोई पिंड 32 मीटर की ऊंचाई से गिरता है तो 2 सेकंड के बाद उसका वेग क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा आपका 19.6 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि u बराबर 0 है, t बराबर 2 सेकंड और g का मान जो होता है गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो इस प्रकार v बराबर सूत्र फॉर्मूला जो है v बराबर e प्लस at वहीं लग जाएगा और आंसर हो जाएगा वो। अब एक क्वेश्चन और सा है कि एक ही तत्व या विभिन्न तत्वों के परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं? तो आंसर हो जाएगा आपका अणु। एक ही तत्व के विभिन्न तत्वों के परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं? तो अणु बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।